फ्रेंड्स, क्या आप भी इस तरीके की वीडियो इस तरीके से इनहेंस करना चाहते हो? तो इसके लिए आपको तो बहुत सारी एप्लीकेशन मिल जाएगी जो कि आपको प्रीमियम बाय करनी पड़ेगी, तभी आप उस एप्लीकेशन से अपनी वीडियो को इनहेंस कर सकते हो। और भी बहुत सारी AI टूल्स भी मिल जाएगी जो कि अभी सक्सेसफुल नहीं है, बट रियल एप्लीकेशन से ही वीडियो की कलर करेक्शन करके आप वीडियो को इनहेंस कर सकते हो। तो अपनी वीडियो को इनहेंस करने के लिए इस वीडियो को एक एक स्टेप को वॉच करनी पड़ेगी। तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो मैं अपने VN एप्लीकेशन में चला जाता हूँ। आपको यहाँ पर प्लस आइकन पर क्लिक कर देना है, उसके बाद आपको न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको जो भी वीडियो आपको सेलेक्ट करना है आप यहाँ से सिलेक्ट कर ले। तो अभी आप देख सकते हो इस वीडियो की क्वालिटी कुछ इस तरीके से है। तो मैं इस वीडियो को इनहेंस कर लेता हूँ। इनहेंस करने के लिए फिल्टर पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आपको एडजस्ट पर क्लिक कर देना है। एडजस्ट में जाने के बाद, या फिर आपकी वीडियो में कॉन्ट्रास्ट थोड़ी ज्यादा है तो आप इसे कम कर सकते हो, या फिर अगर कम है तो आप इसे बढ़ा सकते हो। तो मैं इसे थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। अब आपको थोड़ी ब्राइटनेस इसे बढ़ा लेनी है तो मैं इसे 15 प्लस कर देता हूँ। अब है सेचुरेशन, तो सेचुरेशन में प्लस 20 कर लेता हूँ। उसके बाद है वाइब्रेंस, तो वाइब्रेंस को मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ। वाइब्रेंस को इसलिए यहाँ पर कम कर दिया क्योंकि अगर आप इसे वाइब्रेंस को बढ़ाते तो ये कुछ इस तरीके से दिखने लगता, जो कि वीडियो की क्वालिटी थोड़ी और डाउन हो जाती, तो मैं इसे कम कर देता हूँ। अब आपको टेम्परेचर पर क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद इसको थोड़ी टेम्परेचर को हाई कर देना है, तो मैं 15 बढ़ा लेता हूँ। 14, 15 जो भी बढ़ाना हो आप इसे बढ़ा सकते हो। उसके बाद आपको मिल जाएगी HSL। आपको इसे कुछ नहीं करना है, आपको HSL में जो भी करना है आप यहाँ पर HSL में कर सकते हो। HSL में आपको सबसे पहले रेड मिल जाएगी, तो रेड को आपको माइनस करना है। माइनस 65 में कर लेता हूँ, 70-16 के बीच में रखना है आपको। उसके बाद है सेचुएशन, तो आपको इसकी थोड़ी सेचुएशन बढ़ा देनी है, तो मैं 60 कर लेता हूँ इसको। अब है नीचे लाइटनेस, तो मैं थोड़ा लाइटनेस को भी बढ़ा देता हूँ। अब आपको इसे ऑरेंज को थोड़ी एडजस्ट कर लेनी है, तो मैं इसे थोड़ा -22 कर देता हूँ इसे। उसके बाद सेचुएशन को 30 कर देता हूँ। आपको ज्यादा नहीं करना है, बस थोड़ा सा करना है। उसके बाद लाइटनेस को थोड़ी बढ़ा लेनी है। अब आपको यहाँ पर येलो कलर मिल जाएगी। अगर आपकी वीडियो में येलो कलर है तो आप इसे एडजस्ट कर सकते हो, या फिर नहीं भी है तो आप इसे रहने दे सकते हो। तो मैं थोड़ा थोड़ा इसे बढ़ा लेता हूँ, सेचुरेशन को थोड़ा कम कर देता हूँ। उसके बाद है ग्रीन, तो ये मेरी वीडियो में ग्रीन कलर नहीं है तो मैं इसे रहने देता हूँ। अब नेक्स्ट है स्काई ब्लू, तो मैं स्काई ब्लू को एडजस्ट कर लेता हूँ। आपको यहाँ पर देख लेना है कि स्काई ब्लू जो मैं एडजस्ट कर रहा हूँ तो वो आपको कौन सी पोजीशन पर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, तो आपको उसी अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट करना है। मैं इसे थोड़ा बढ़ा लेता हूँ सेचुरेशन को। लाइटनेस को ज्यादा नहीं करना है, बस थोड़ा सा कर लेना। अब आप देख सकते हो ये पहले की वीडियो से थोड़ी ज्यादा बेटर लग रही है। अब है वायलेट कलर, तो वायलेट कलर को आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। ये मेरी वॉल जो है ये वायलेट कलर की है, तो मैं इसे थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ, मैं इसे बढ़ा ही देता हूँ। उसके बाद है पिंक कलर, ये मेरी वीडियो में पिंक कलर तो नहीं है फिर भी ये वॉल को इफेक्ट कर रही है, तो मैं इसे एडजस्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ से आप शार्पन वगैरह भी बढ़ा सकते हो। अगर आपकी वीडियो थोड़ी ज्यादा स्मूथ हो चुकी है तो आप यहाँ से शार्पन आप बढ़ा सकते हो। यहाँ पर आपको डबल टिक का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपने अलग अलग पार्ट में एक ही बार में एक्सपोर्ट किया है तो आपको डबल क्लिक पर क्लिक कर देना है, या फिर आपने एक ही वीडियो को सिलेक्ट किया है तो बस आपको एक टिक वाली ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हो ये वीडियो पहले से ज्यादा कितना इनहेंस हो चुकी है। तो आप भी VN एप्लीकेशन से कलर करेक्शन करके आप अपनी वीडियो में इस तरीके से इनहेंस कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। तो ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।